हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इट रियली मीन्स अ लॉट। आज मैं आपके साथ हल्दी दूध यानी कि गोल्डन मिल्क की रेसिपी शेयर करूंगी और ये भी आपको बताऊंगी कि इसे किस समय और कैसे लें ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें अब मैं एक कप दूध डाल रही हूँ। दूध को बॉयल होने दीजिए। हल्दी वाले दूध के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एंटी कैंसरस, एंटी इंफ्लेमेटरी है और साथ ही साथ आपको सर्दी खांसी से भी बचाता है। दूध में अब बॉयल आने लगा है, गैस को इस समय धीमा कर दीजिए और 1/4 छोटी चम्मच इसमें हल्दी का डालिए और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करें। एक ग्लास हल्दी वाला दूध आप रोज़ पीजिए और आपकी इम्यूनिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। अब इसमें एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालिए और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। काली मिर्च हमें हल्दी के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट कर्क्यूमिन को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो काली मिर्च हल्दी के दूध में ज़रूरी है। अब धीमी गैस पे दूध को 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाएं। हल्दी वाला दूध आप सोने से 1 घंटा पहले लें और कोशिश करें कि दूध लेने के बाद फिर आप और कुछ ना खाएँ ना पिएं। 1 मिनट के बाद अब गैस स्टव को बंद कर दीजिए और दूध को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब हमारा दूध सिर्फ कोसा गर्म रह जाए यानी कि ल्यूकवॉर्म रह जाए, उस समय इसमें 1 चम्मच हनी का डालिए और उसे अच्छे से मिक्स करें। हनी यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐसे भी हल्दी दूध पी सकते हैं। हनी आप कभी भी गर्मा गर्म दूध में ना डालें, जब दूध हल्का कोसा गर्म रह जाए उस समय उसमें हल्दी डालें। हल्दी वाला दूध इंडियन फैमिलीज़ में शुरू से ही बच्चों को दिया जाता है ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। आप भी ये रेसिपी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू ऑल।